मधवापुर अंचलाधिकारी राम कुमार पासवान अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में अतिक्रमण से जुड़े 3 मामलों की सुनवाई किया। इस दौरान सीओ ने मधवापुर में ब्रह्मस्थान की जमीन बासुकी बिहारी दक्षिणी पंचायत अंतर्गत ब्रह्मपुरी गांव में सरकारी रास्ता के अतिक्रमण एवं मुखियापट्टी गांव में रास्ता के अतिक्रमण से संबंधित मामलों की सुनवाई की है, जहां सबसे पहले मधवापुर में ब्रह्मस्थान के जमीन के अतिक्रमण पर सुनवाई हुई, जिसमें बिंदेश्वर महतो, विजय शाह, देवा शाह, कृष्ण कुमार शाह, चांद दफाली, जय जय शाह, मदन महतो, जमुन महतो के द्वारा अतिक्रमण किया गया, जहां जय जय शाह एकमात्र व्यक्ति सुनवाई में उपस्थित हुए। वहीं दूसरी सुनवाई ब्रह्मपुरी गांव में सरकारी रास्ता के अतिक्रमण से जुड़ा हुआ है, जिसमें श्याम प्रसाद राय, राम दयाल सहनी, देवशंकर राय अतिक्रमणकारी है। सुनवाई के दौरान एक भी व्यक्ति उपस्थित नहीं हुए। तीसरी सुनवाई मुखियापट्टी गांव में सरकारी रास्ता के अतिक्रमण से जुड़ा है, जिसकी सुनवाई के दौरान दिनेश प्रसाद, सत्यनारायण शाह, लक्ष्मी शाह उपस्थित होकर अपनी बात अधिकारी के समक्ष रखे, जिसमें राम अवतार शाह अनुपस्थित रहे। सुनवाई के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए अंचलाधिकारी श्री पासवान ने कहा कि तीनों मामला सरकारी जमीन के अतिक्रमण से जुड़ा हुआ है, जहां सभी अतिक्रमणकारियों को एक दिन का अल्टीमेटम दिया गया है कि अंचल कार्यालय में अपना अपना साक्ष्य प्रस्तुत करें, साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने के उपरांत स्वयं भूमि को खाली कर दे, अन्यथा अतिक्रमण खाली कराने के लिए प्रशासन बुलडोजर चलाने को बाध्य होगा, जिसका पूरा खर्च अतिक्रमणकारियों से वसूल किया जाएगा। मौके पर राजस्व कर्मचारी सियाराम यादव व ऑपरेटर रूपा कुमारी समेत अन्य कर्मी उपस्थित थे। आज के बारे में बताया जाए, जिस तरह से सुनवाई हुई है, क्या कुछ मामला था? लोक भूमि अतिक्रमण के अंतर्गत आज विधिवत अतिक्रमणवाद जो अंचल कार्यालय में संधारित है, विभिन्न मामलों में 3 मामलों की सुनवाई अतिक्रमणवाद जो 1 क्रम संख्या 1/22/23 है, 2/22/23 एवं 3/22/23 है, इन पर विधिवत सुनवाई की गई है। अतिक्रमणकारियों को विधिवत मौका देकर उनसे 1-2 दिन के लिए साक्ष्य की मांग हेतु समय 2 दिनों का दिया गया है। 3 मामलों में 2 मामले सरकारी रास्ता से अतिक्रमण का है और 1 मामला मधवापुर का है जो ब्रह्मस्थान के अतिक्रमण से संबंधित है। कुछ लोग अनुपस्थित भी हैं, उनको भी मौका दिया गया है कि वे आके कार्यालय को अपना साक्ष्य प्रस्तुत करें, साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में अतिक्रमणवाद की विधिवत कार्रवाई करके सरकारी रास्ता एवं ब्रह्मस्थान को अतिक्रमण से मुक्त करवाया जाएगा। रास्ता जो अतिक्रमण कहाँ का है? एक है मुखियापट्टी का है और एक ब्रह्मपुरी का है जो बासुकी बिहारी उत्तरी पंचायत का है। साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है? जी, साक्ष्य प्रस्तुत करने हैं तो 2 दिनों का समय दिया गया है, वो अपना साक्ष्य प्रस्तुत करें, अन्यथा अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। सफर में हमें चाहिए एक नई ताजगी। अब सफर चाहे कोई भी हो, हर सफर में मिलेगी नई ताजगी का एहसास। तो बस एक प्याली चाय और अपने हर सुबह और शाम को बनाए खास, बंगाल गोल्ड टी। चाय एक अनोखा मिश्रण, कड़कपन और भरपूर ताजगी का एहसास, बंगाल गोल्ड टी। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।